नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के टॉपिक जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या धरातल पर किस प्रकार वितरित है? इसमें स्लाइड में आपको विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र हैं उनको गहरा किया गया है और कुछ हल्के हैं। तो जो क्षेत्र यहाँ गहरे दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है वो केंद्रित पाई जाती है, अधिक संख्या में पाई जाती है। जैसे जैसे रंग गहरा होता है वैसे जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है, संकेंद्रण है, वो कम होता जाता है। तो इसमें सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ दिखाई दे रहा है? चाइना में और इंडिया में। और विश्व की सबसे जो पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी है? ये दोनों ही है। इसके अलावा जैसे जैसे हम आते उच्च अक्षांशों में देखते हैं रंग जो है वो थोड़ा हल्का है, यानी जनसंख्या संकेंद्रण कम पाया जाता है। साइड देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत असमान है। जनसंख्या जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है। उसकी कई वजह प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कई कारण है जिनकी वजह से जनसंख्या जो है वो कहीं पर ज्यादा पाई जाती है, कहीं पे कम पाई जाती है। विश्व की 80% जनसंख्या है वो केवल 20% भूभाग पे पाई जाती है। तो धरातल का 20% जो भाग है वो ऐसा है जिसमें जो जनसंख्या के लिए उचित जो दशाएं है, अच्छी दशाएं मिलती है और लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। तो संकेंद्रण हो गया है उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में से जो 20% जनसंख्या वो विषम परिस्थितियों वाले धरातल पर केंद्रित है। विषम परिस्थितियों का हम यूँ समझते हैं, विषम परिस्थितियों वाला धरातल कौन सा होगा? जैसे पर्वत हुए, पठार हुए, तो वहाँ पे क्या है, कृषि कार्य मुश्किल हो जाएगा, परिवहन का विकास नहीं हो सकता, अन्य कार्य भी क्या है वो मुश्किल हो जाते हैं। जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, तथा शेष जो 10% है वो दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है। अब इसमें मैप में देखते हैं जनसंख्या असमान वितरण दिखाया गया है कि कौन से भाग है जहाँ पे जनसंख्या जो है ज्यादा पाई जाती है, कौन से वो कम पाई जाती है। इसमें देख रहे हैं हम जैसे इधर ऊपर की तरफ देखिए उच्च अक्षांश जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ही कम पाई जाती है। सहारा का जो डेजर्ट है वहाँ जनसंख्या कम है। ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती भाग जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे भी जनसंख्या कम है। जब ये समतल मैदान के भाग है जहाँ वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जिसमें देख रहे हैं इंडिया का जो तटीय भाग है वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। इधर बंगाल का जो मैदान है वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। चीन का जो मैदान है तटीय मैदान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के जो देश है वहाँ पे तकनीकी विकास अधिक हुआ है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या जो वो अधिक पाई जा रही है। इधर उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जा रही है। उच्चावच की दृष्टि से विश्व की जो 60% जनसंख्या वो 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास कर सकती करती है। 200 मीटर से कम का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है लोग जो है वो समतल भागों में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि समतल जो भाग वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे कृषि के लिए जो है वो संभावनाएं अधिक है, परिवहन के लिए, उद्योग, हर प्रकार से संभावनाएं अधिक है। और जो जैसे जो ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आने लग जाती है, वर्षा जो वो हिम के रूप में होती है, तो कई जो है परेशानियां आती है। इसलिए जो लोग है वो समतल मैदानी भागों में अधिक पसंद करते हैं। स्थानीय वितरण के अनुसार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विश्व की 50% जनसंख्या है वो रहती है। ये वो कटिबंध है जो कि न ज्यादा अधिक गर्मी है यहाँ पे, न अधिक सर्दी है। तो जलवायु की दृष्टि से ये जो है उत्तम है और जनसंख्या यहाँ पे वास करती है। 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। जिससे 30% जनसंख्या जो है वो कौन से अक्षांशों के बीच में? 40 से 60 डिग्री के बीच में पाई जाती है, जो उसमें की मुख्य रूप से विकसित देश जो है वो इसमें आते हैं। 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में जलवायु क्षमता के कारण केवल 1% जनसंख्या रहती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं या उच्च अक्षांशों में जाते हैं तापमान में कमी आने लग जाती है, वनस्पति का विकास संभव नहीं हो पाता, कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता,
लोगों को जीवन की उत्तम दशाएं नहीं मिलती तो लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते। जनसंख्या वहां पे क्या पाई जाती, विरल पाई जाती है। ये क्षेत्र क्या है, जनसंख्या दृष्टि से निर्जन क्षेत्र कहे जा सकते हैं। मात्र 1% जनसंख्या है, विशेषकर जनजातियां जो है वो इन क्षेत्रों में रहती है, जैसे साइबेरिया है, इधर कनाडा है, तो इन क्षेत्रों में एस्किमोज रहते हैं, जो केवल तो उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, बहुत कम संख्या में उनका पाया जाता है। अब अगले हम देखेंगे वैश्विक जनसंख्या वितरण। वैश्विक जो स्तर पे हम देखते हैं जनसंख्या वो असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या असमान वितरण को दर्शाने के लिए हम उन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सघन जनसंख्या प्रदेश, यानी ऐसे प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जनसंख्या गुच्छ रूप में पाई जा रही है, और जनसंख्या जो घनत्व है वो 100 से अधिक, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मुख्य रूप से चार क्षेत्र है जैसे दिखाई दे रहा है। पहला है क्रोएशिया। क्रोएशिया के देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के देश आते हैं। क्योंकि चीन जैसे है तो जनसंख्या वैसे बहुत अधिक पाई जाती है, जनसंख्या अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। दूसरा प्रदेश में है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कह सकते हैं भारत उसके पड़ोसी देश इसमें शामिल किए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देश इसमें शामिल है। जो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो तकनीकी रूप से बहुत अधिक विकसित है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जो है यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी कनाडा, कनाडा के जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये दिखाई दे रहा है सामने डेंस पॉपुलेशन एरिया, जिसमें हम देख रहे हैं भारत है, चीन का जो क्षेत्र है, और इधर जो द्वीप समूह में जावा है, इधर अमेरिका का जो जो पूर्वी भाग है, उत्तर पश्चिमी यूरोप का जो भाग है वो बहुत से गहरे रंग में दिखाया, यानी यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जा रही, संकेत में पाया जा रहा है। दूसरा देखते हैं हम सामान्य जनसंख्या प्रदेश, यानी ऐसे भौगोलिक प्रदेश यहाँ पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान कर रही है, या प्रकृति के साथ अनुकूलन की दशाएं पाई जाती है। इन क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता के कारण जनसंख्या पाई जाती है, और जनसंख्या न्यूनतम 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है में ऑस्ट्रेलिया, जहाँ में कालगुड़ी और कुलगाड़ी जो जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से डेजर्ट में है, और वहाँ पे अच्छी दशाएं नहीं पाई जाती, लेकिन जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, जिसकी वजह है वहाँ पे सोने की खानों का मिलना, जिससे लोगों को वहाँ पे रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो खनिज उपलब्धता की वजह से वहाँ पे जनसंख्या संकेंद्रित हो गई है। ये होते हैं देखे सामान्य जनसंख्या प्रदेश। अगला हम देखते हैं विरल जनसंख्या प्रदेश, यानी वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। पृथ्वी तल के 70% भाग में विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या पाई जा रही है, और जो जनसंख्या घनत्व कितना है, मात्र 5-10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उच्चावच या जलवायु की विषमता पाई जाती है, जिसके कारण लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर सकते, और ये जनसंख्या दृष्टि से निर्जन प्रदेश है। एक प्रदेश कौन कौन से हम देखते हैं, पहला मरुस्थल एवं शुष्क भूमि, इसमें सहारा का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब का मरुस्थल जो कि उष्ण मरुस्थल है आते हैं। इसके अलावा शीत मरुस्थल में लद्दाख का मरुस्थल। ये मरुस्थल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे तापमान या तो बहुत अधिक है या बहुत कम है, वनस्पति विकास के लिए संभावनाएं नगण्य है, तो ऐसे में लोगों का यहाँ पे जीवन यापन जो कठिन होता है, लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। हिमालय उच्चाक्षांशी क्षेत्र, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे क्या तापमान कमी आने लग जाती है, धरातल जो है वो लगभग पूरे साल जो है वो हिम से जमा हुआ रहता है। ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांशों से ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र हुआ, अंटार्कटिका का जो शीत प्रदेश है, साइबेरिया जो रूस में है, इसके अलावा ग्रीनलैंड का द्वीप समूह है, वो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष भर लगभग बर्फ जमी रहती है, वर्षा जो है वो किस रूप में होती है, हिम रूप में होती है, वो जीवन के लिए उत्तम दशाएं नहीं पाई जाती। पर्वतीय क्षेत्र, उबड़ खाबड़ वलित पर्वतीय क्षेत्र इसमें आते हैं, जैसे हिमालय है, अल्प्स है, इन भागों में लगभग 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो भाग है वो निर्जन, इससे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे जो है वो जनसंख्या कम होती जाएगी, विरल होती जाएगी। अगला है विषुवत प्रदेश। विषुवत रेखा के दोनों तरफ लगभग 5 डिग्री तक ये क्षेत्र पाए जाते हैं। तापमान बहुत अधिक है, आर्द्रता बहुत अधिक है, जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत अधिक हो जाती है, जीवन प्रत्याशा कम है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या जो वो अधिक पाई नहीं जाती। स्थानांतरित कृषि की जाती है, जो कि अधिक जनसंख्या का लोड नहीं
नहीं जल सकती, तो यहाँ पे जनसंख्या संकेंद्रण कम पाया जाता है। यहाँ जैसे अमेजन जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कांगो दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप आदि जो प्रदेश है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम अगली बार पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।